अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर हैदराबाद का मारूफ और मशहूर एसकेएम 91 न्यूज चैनल अपनी दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। आज जुरैज तो नहीं है, मगर जुरैज के चाहने वालों का भी अल्लाह इंतकाम ले सकता है। और याद रखो, हमारी दोस्ती अल्लाह से पैसों से नहीं है, हमारी दोस्ती घरों से नहीं है, हमारी गाड़ियों से नहीं है, हमारी आवाम से है। और आवाम से इसलिए है कि वो अल्लाह के चाहने वाले हैं, और अल्लाह के चाहने वालों को हम चाहते हैं, और हमको अल्लाह वाले चाहते हैं, आप चाहते हैं, इससे बड़ा मेरे को क्या इनाम होना वो। मगर बाज लोग छिछोरे किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं, सिर्फ जातियात के लिए बदनाम करना चाहते हैं। आप बोलो, अगर आप लोगों का अगर ये फरमान है तो मैं अभी बात छोड़ देता हूँ। कोई इल्ज़ाम मेरे पे लगाया जाए तो क्या वो इल्ज़ाम की आप तायद करेंगे? करेंगे? आज इस मिंबर पर बैठ के आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ मैं, जितने इल्ज़ाम जितने लोगों ने लगाया है, मैं आप तमाम के साथ वादा करके मैंने कहा, कह रहा हूँ कि उनको मैं अल्लाह के हवाले कर दिया। अब वो इंतकाम लेंगा इंशाल्लाह, बोलो। और ये भी बोलो आप कि जो जो इल्ज़ाम जिस पे भी लगाए जाते हैं, अगर हक ना हो तो अल्लाह उनकी औलादों पे उसको फेर दे। हम बददुआ तो नहीं देते, मगर बाज़ वक़्त मियाँ अल्लाह वालों को नहीं छेड़ना। हम अल्लाह वाले नहीं हैं, मगर अल्लाह वालों के जूते उठाने वाले हैं। ये कुर्सी मेरे को मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के बाद मैंने आप लोगों से मेहनत करके हासिल की है। क्या ऐसी बिठाया मेरे को यहाँ? मैं आप लोगों की खिदमत किया? मैं आपसे 2 रुपए का मुतालबा नहीं करता। कभी अपनी ज़ात के लिए आप लोगों में से किसी से 10 रुपए लिया हूँ तो कोई खड़े होकर बता दे मुझे। अल्लाह चलाता, एक साहेब खैर मेरी मोहब्बत में रहते हैं, वो मेरे लिए जो कुछ करते हैं मैं उसका उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र में, उनकी औलाद की उम्र में, उनके कारोबार में अल्लाह बरकतें ही बरकतें अता फरमाए। यहाँ हम बहुत अल्लाह के नाम से शुभ काम करते हैं, और हमारा पूरा राबेता अल्लाह से है। दिल दुखता है उसको पुकारते हैं, खुशी मिलती है तो भी उसको पुकार लेते हैं। और अब हमारे से कहा जा रहा है कि अब हम तुमको नाम मिटा देंगे तुम्हारा। अरे मिटने वाले बहुत मिट गए मियाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम भी उम्मती है, वो भी उम्मती है जो बोलने वाले हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह उनसे कलमा ना निकाले, मगर किसी को ऐसी बात ना कहो कि आखिर में तुम्हारे से कलमा निकलने में मुश्किल पैदा हो जाए। मैं अल्लाह से दुआ